चेक दिस आउट गाइस, ये देखो ये पंचाने नदी है। यहाँ से अभी अपन लोग यहाँ पे हैं, देख रहे हो, और फिर यहाँ से कितना नीचे पंचाने नदी गाइस, और फिर वहाँ पे देखो पानी बहुत कम है, मतलब बारिश इस बार ना हुआ ही नहीं है। बहस दो है गाइस, ये देखो ये बख्तियारपुर टू रजौली वाली ब्रिज है ना, इधर मतलब अभी इतना इनकम्प्लीटेड है, आगे देखो काफी ज्यादा कम्प्लीट भाई, मतलब देखो यार कैसे जाम लगा है भाई, इधर एक ट्रक ये वाली फिर बस वहाँ पे लगा दिया भाई, मतलब ऐसा कैसे जाम लगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज आज संडे है और फिर आज अपन लोग अभी टाइम बता रहे गाइज, तो अभी 12 बजने वाला, मे भी 12 या फिर 12:30, मे भी मान लो 11 से 1 के बीच में टाइमिंग है, तो अभी अपन लोग टाइमिंग देखे नहीं है, बट धूप भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वाला था, लेकिन अभी धूप थोड़ा कमी है गाइज, लाइक बादल आ रही है, धूप जा आ रही है, बादल जा रही है, धूप आ रही है, ऐसे वैसे हो रहा है, तो देख सकते हो गाइज धूप फिर से पीछे में आ गया, काफ़ी घमासान वाली धूप है गाइज, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, बट फिर भी आज सोचिए यार संडे है ना, तो संडे को स्पेशल वाली वीडियो बनाते हैं, लाइक आज अपन लोग कहीं पे जाने वाले नहीं है, बस आज अपन लोग ना लॉन्ग राइड वाली वीडियो बनाने वाले हैं, और फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी सारा मजा करने वाले हैं। सो गाइज जो भी मोटो ब्लॉगिंग देखते हो ना, लॉन्ग राइड वाली वीडियो देखना चाहते हो ना, उन लोगों के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वाला ओपी वाला वीडियो होने वाली है। चैनल पर नए बंदे आए प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो वीडियो में एंड तक बने रहना, अभी अपन लोग यहाँ से निकल रहे हैं और फिर जा रहे हैं गाइस लॉन्ग ड्राइव पे, और फिर आपको दिखाते हैं गाइस मॉडिफिकेशन होने के बाद, आपको अच्छा से नहीं दिखाते ना बाइक अपना कैसा लुक दिया है, तो अभी आपको दिखाते गाइस बाइक का लुक। देखो गाइस ये ब्लैक ब्यूटी अपना मस्त वाला, देख रहे हो पूरा ब्लैक, उस दिन गंदा था ना, धुलाए भी नहीं थे, बट आज धुला चुके हैं, और फिर देखो गाइस कहीं मस्त वाला बीस्ट वाला लुक दे रहा है ना, बट इसमें अपन लोग ना पैनल पे वो जो ब्लैक वाली पट्टी दिख रही है पैनल, वहाँ पे मॉन्स्टर लिखाएंगे, और फिर टोटल बाइक देखो ना टोटली लुक चेंज हो चुका है, अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा है, लग रहा है अभी अपन लोग शोरूम से निकाले ही है बाइक, ऐसा लग रहा है, देख रहे हो नो एनी स्क्रैच, और फिर जो भी मॉडिफिकेशन अपन लोग करवाए ना उसका तो गाइज मतलब लुक ही अजीब देता है, एकदम मस्त वाला लुक देता है, और देखो ये कुछ ऐसा लुक फ्रंट से आती है, मतलब कुछ भी बोलो भाई, मतलब बोलते ना इतना ज़बरदस्त वाला लुक है ना भाई, मतलब देख के फिदा, और ये जो रेड रेड वाला निकाला है ना ये और भी ज़बरदस्त वाला लुक देता है यार, मतलब काफ़ी भयानक तरीके से उसने किया मॉडिफिकेशन, और फिर ये अपनाया, ये देख ही सकते हो ये तो अपन लोग खुद से किए थे, बट ये वाली स्टिकरिंग करवाए थे, और फिर एक ये वाली स्टिकरिंग करवाए थे, और ऊपर वाला डबल वबल वायर देख रहा हो उससे, और ये काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वाला लग रहा है बाइक देखने में, तो चलो मेरे साथ है अभिषेक वहाँ पे चश्मा लगा के भाई राइड करेगा वही, अपन लोग वीडियो बनाएंगे, तो अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं गाइज लॉन्ग ड्राइव पे, ये अपना हाईवे और फिर इधर साइड अपना गांव, तो देख लो बस इधर से ही अपन लोग नालंदा राजगीर की तरफ निकले हैं गाइज, तो चलो गाइज जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट गाइज। सो गाइज अभी अपन लोग यहाँ से निकल रहे हैं और फिर लॉन्ग टूर के लिए पूरे तरीके से रेडी है, ये देखो अपना बाइक चढ़ गया मस्त वाला 4 लेन पे, और यहाँ से अपने को उस साइड होनी है गाइज, तो उसके लिए इंडिकेटर दे के पास करना, पहले एक ट्रक आ रहा है झटका ना दे इसी कारण से, थोड़ा सा टाइमिंग लेके अपन लोग क्रॉस करते हैं, और फिर देखो गाइज अभी का मौसम देखो ना, देखो कभी कभी बोल रहे थे ना धूप आ रही है जा रही है, तो अभी धूप जा चुकी है, और मौसम देखो काफ़ी मस्त वाला सीन लग रहा है, 12:30 बज चुका है, और धूप देखो भाई सूर्य भगवान बिल्कुल ऊपर में है, तो चलो कोई ना अभी तो फिलहाल यहाँ से निकले, आगे पेट्रोल पंप है बट अपना बाइक में फुल पेट्रोल है देख सकते हो गाइज, तो इतना सारा फुल पेट्रोल में आराम से अपन लोग लॉन्ग टूर अच्छे से मतलब कवरअप कर सकते हैं ना, सही है ना, और फिर तो गाइज देखो गाइज ये ब्यूटी ऑफ माउंटेन अपना बड़ी पहाड़ी गाइज, इसका सीन मतलब देख रहे हो क्या ही मस्त वाला लग रहा है सीन इसका, नीचे पूरा ग्रीनी ग्रीनी एरिया और फिर ऊपर भूरा सा, और ये देखो तालाब, मतलब ये पंचानवी नदी का ही छोटा मोटा पार्ट है गाइज, जो कि काफ़ी बड़ी बहती है गाइज पंचानवी नदी, और फिर ये पहाड़ का व्यू देखो ना कहीं मस्त है, और फिर ये रोड का नज़ारा देखो भाई धूल ही धूल है, मतलब इतना बस ये सब चलती है ना तो धूल ही उड़ाएगी ना, बट इधर का देखो ना नेचर देखो तो इसको बोलते हैं नेचर गाइज। फाइनली गाइज अभी अपन लोग जाम में फंस चुके हैं, ये देखो अपना पुल और फिर नीचे की साइड काफ़ी ज़्यादा जाम, और फिर इधर बाजार समिति गाइज,
देख रहे हो जाम तो काफ़ी सही लग रहा है यार, मतलब काफ़ी भयानक वाला जाम लग रहा है। ये देखो मतलब इस जाम से निकलना थोड़ा सा टाइम लगने वाली है, क्योंकि देखो पीछे कोई भी जाम नहीं है, बस जो भी आगे से लगी है ना वहाँ से आगे एक मोड़ है, अम्बेडकर जी का मूर्ति है, वहाँ से जाम लगी है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से तीन चार तरफ रूट खुलती है ना, एक है सामने नवादा वाली रूट, एक अंदर बाजार समिति और फिर एक कंगड़सराय, और फिर इधर से तो हम लोग आ ही रहे हैं। धीरे धीरे जाम बढ़ता ही जा रहा है भाई, ये देखो भाई, मतलब देखो यार कैसे जाम लगा है भाई, इधर एक ट्रक ये वाली फिर बस वहाँ पे लगा दिया भाई, मतलब ऐसा कैसे जाम लगाता है यार। उधर देखो, उधर भी बस है खड़ा, ये लोग जानबूझ के जाम लगाता है गाइस, देख लो मतलब इतना चौड़ा सा रास्ता में भी जाम भाई, ये लोग क्या मतलब मत बुद्धि वाले लोग है यार, यही बोलते हैं ना, देख लो सारे लोग का जल्दबाजी है बहुत ज़्यादा, ट्रैक्टर वालों का तो और जल्दबाजी होती है गाइस। ये देखो ये बख्तियारपुर टू रजौले वाली ब्रिज है ना, इधर मतलब अभी इतना इनकम्प्लीटेड है, आगे देखो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लीट हो चुका है, और सारे में गाइस पिलर संख्या भी लिखा चुका है। चलना भाई देखो क्या नज़ारा, मतलब क्या ही मस्त वाला सीन लग रहा है। देखो जब कहीं पर ब्रिज बनती है ना तो ऐसा सीन होता है गाइस, लाइक पहले तोड़ा था ना उसी का शायद वो ब्रेकेबल वाला ब्रेक वाला है जो भी बचा हुआ है, और फिर ऊपर देखो गाइस बनाने का मतलब काफ़ी सारे लोग बहुत मेहनत है गाइस, मतलब जो लोग बोलते हैं ना ब्रिज ये सब बनाना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और फिर इधर देखो गाइस तिरुपति मार्बल एंड ग्रेनाइट, मतलब यहाँ पे मार्बल ये सब का न्यू खुला, ये पहले नहीं था, हाल ही फिलहाल में खुला होगा, मे बी 1 ईयर और फिर 2 ईयर्स में भी हुआ होगा, मान लो 1 साल ही मान लो, ज़्यादा नहीं मानो यार। तो ये देखो नीचे का व्यू, मतलब अंदर कैसे होता है भाई, मतलब ट्रक ये सब में जो भी बड़ा बड़ा चक्का वाला गाड़ियाँ होती है ना वही सब इतना सारा मड में जा सकता है, बाकी भाई हम लोग का टू व्हीलर तो नहीं जा सकता गाइस, भले कितना भी भयानक वाला हो नहीं जाएगा। ये क्या है ओ भाई, ये देखो समुंदर बन चुका है भाई, हम लोग का गाँव का ना जो तालाब होती है ना बिल्कुल तालाब की तरह पानी भर चुकी है यहाँ पे, देखो आराम से सारे लोग स्विमिंग कर सकते हैं, बट इस गधेड़े को देखो गाइस, इधर मन किया नहीं उधर स्टार्ट भाई, ये सारे लोग जो गधेड़े लोग होते हैं ना लोग भाई, ये लोग जो फिल्म देखना है इसे बांध के मारना चाहिए इन लोगों को भाई, मतलब क्या ही मतलब अच्छा वाला पानी है वहाँ पे यार, टॉयलेट वॉयलेट कर रहा है क्या, मतलब इन लोगों का सेंस है गाइस। पता होगा आज मैंने बोला था ना व्हीलर पे नंबर भी दिया हुआ, ये देखो DOC डेड इतना RP 8 RP 7 और फिर ऐसे ही सारे पिलर पे नंबर लिखी हुई है गाइस, तो पिलर से भी सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे लोकेशन होती है ना वहाँ पे पिलर के हिसाब से आ जाते हैं। और फिर सामने देखो गाइस मैंने बोला था ना ये ब्रिज एकदम सामने चल जाती है, बट अपने को राइट साइड जानी है यहाँ से, क्योंकि अपने को राजगीर की तरफ थोड़ा लॉन्ग टूर पर जानी है। और फिर ये देखो भाई ये क्या है, अमर जवान, थोड़ा सा धीरे भाई इधर गाड़ी आ रहा है। सो गाइस इधर देखो पार्क है शहीद है भाई, मतलब मैं कभी गया नहीं हूँ लाइफ में, फर्स्ट टाइम। और ये देखो गाइस तो भाई मतलब तोप यहाँ पे रखा हुआ है, ये रियल वाला या फिर ऐसे ही सोअप के लिए है पता नहीं, बट मेरे ख्याल से रियल ऐसा लग रहा है, हम तो भाई अपना लाइफ में कभी देखे ना है। तो चलो गाइस यहाँ से अपन लोग राइड जाएंगे राजगीर की तरफ, क्योंकि ये ब्रिज गाइस सामने गई है, मैंने बोला भी था आपको। आज अभी अपन लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे आ चुके हैं, लाइक ब्रिज पे, और फिर नीचे की साइड खेती हो रही है, और आगे जाओगे ना और भी आगे थोड़ा सा है तो 95 नदी है, और इस तरफ से देखो तो पूरा 95 नदी है गाइस। तो 95 नदी का मतलब तो मेरे को नहीं पता, लेकिन 95 नदी का नाम से ही पता चल रहा है गाइस, 5 नदी का मिश्रण, तो मेरे को नहीं पता कौन कौन नदी का मिश्रण है, लेकिन 5 नदी का मिश्रण को ही 95 बोलते हैं गाइस, क्योंकि 95 भाई 95 वालों 95, बट मैं तो 5 ही सिर्फ बोला, बट चलो कोई ना यार, लेट इट गो, मतलब कुछ भी यार छोड़ो यार इसको, फिर भी 95 नदी इसको बोलते हैं, बट मैं सोचता हूँ 5 नदी का मिश्रण को 95 बोलते हैं। 95 नदी किसको बोलते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे को अभी तक यही पता है कि 95 नदी 5 नदी का मिश्रण को बोलते हैं। और फिर ये देखो गाइस मतलब काफ़ी भयानक लग रहा है नीचे,
चलो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ पंचाने नदी का सीन। तो चेक दिस आउट गाइस, ये देखो ये पंचाने नदी है, यहाँ से अभी अपन लोग यहाँ पे हैं, देख रहे हो, और फिर यहाँ से कितना नीचे पंचाने नदी गाइस, और फिर वहाँ पे देखो पानी बहुत कम है, मतलब बारिश इस बार ना हुआ ही नहीं है। भैंस दो है, गाय या फिर भैंस क्या है पता नहीं, बट दो दो है। और फिर देखो ये वाली रोड बंद है, बट फिर भी अपन लोग इधर से आए, बट वहां से इधर टर्न लेते हैं और फिर आगे की साइड कुछ बन रहा है, इसी कारण से कुछ गाड़ी लोग को ब्लॉक कर दिया, मतलब बड़ा बड़ा गाड़ी नहीं जा सकता, अपन लोग टू व्हीलर लेके आ सकते हैं। तो रोड भी इधर कुछ ऐसा है, जहां चाह वहीं राह, देख रहे हो ये वाली पढ़ रहो लाइन पढ़ो गाइस, जहां चाह वहीं राह, भाई सही बात है यार, जहाँ पे तुम्हारा चाह रहेगा ना वहाँ से राह जरूर मिलती है, और फिर जो चीज़ तुम करना चाहते हो ना उसके पीछे जम के पड़ जाओ यार, मतलब वो चीज़ को पाने के लिए ना पड़ जाओ, वो मिलेगी मिलेगी, एक ना एक दिन तो जरूर मिलती है गाइस, और फिर सफलता तो गाइस जरूरी है यार। तो इसी बात पे गाइस, जो भी हमारे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं ना, प्लीज यार दबा के शेयर कर दो गाइस, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ ना जल्दी से भाई 2K कंप्लीट हो जाए अपना सब्सक्राइबर्स। सो आप लोगों ने देख लिया गाइस पंचाने नदी का सीन, जब पानी आती है ना तो भाई मतलब यहाँ का मंजर ना देखने का ना नजारा ही अलग हो जाता है गाइस, इतना ज्यादा पानी होता है ना, इतना ज्यादा पानी होता है ना, देख के सोचोगे यार कि हाँ ये समुंदर की तरफ हम लोग आ गए। बट फिर भी अभी तो फिलहाल इस साल बारिश हुई नहीं है, बहुत कम हुई है गाइस, मानो ना तो हुई ही नहीं है, 0% बारिश हुई है गाइस, ऐसा बोल सकते हो, थोड़ा बहुत हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। तो ये तो पंचाने नदी है, अभी अपन लोग और भी आगे जाने वाले हैं, तो बस वीडियो में बने रहना और फिर देखते गाइस कहाँ पे अपन लोग लास्ट जाते हैं, क्योंकि अभी अपन लोग मे बी अप्रोक्स 20 किलोमीटर चल चुके हैं, और फिर यहाँ से देखते हैं अभी और कितने किलोमीटर जाते हैं। और गाइस इसको देखो, यहाँ पे शायद कोई फिजिकल ट्रेनिंग वाला ये कुछ कैंपस खुल चुका है, यहाँ पे देखो सारे लोग का फिजिकल यहाँ पे रेडी होता है, क्या चीज़ लिखा हुआ है, वैभव फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर, हाँ वही है, एक वैभव का इधर है और फिर राहुल फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर उधर है, मतलब दोनों फिजिकल ट्रेनिंग ना अलग अलग है, बट उसमें ज़्यादा मटेरियल है गाइज, उसमें ना ट्रेनिंग वाला ज़्यादा कुछ है, इसमें उतना नहीं है, बट इसमें भी सही है। तो गाइज यहाँ भी फिजिकल ट्रेनिंग, बिहार पुलिस आर्मी नेवी एयरफोर्स सारे का यहाँ पे ट्रेनिंग होता है गाइज, फिजिकल ट्रेनिंग। देखो कब कंप्लीट होती है, बट जब भी कंप्लीट होगी ना उसके बाद से यहाँ से टोल स्टार्ट होगी, टू व्हीलर के लिए तो साइड वाला एग्जिट दे देगा, वो उधर दिख रहा वो साइड वाला एग्जिट देगा टू व्हीलर के लिए, बाकी फोर व्हीलर थ्री व्हीलर जो भी आते हैं ना, थ्री व्हीलर को नहीं होगा मेरे ख्याल से, टेम्पो वाले को नहीं, बट टू व्हीलर को इधर से एग्जिट है, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, बाकी फोर व्हीलर वाले सारे लोग को पैसा लगेगा, और फिर इसका चौड़ाई देख रहे हो क्या मस्त वाला लग रहा है ना, ये ऐसा ही सारा जगह रोड रहेगा ना भाई, तो लगेगा हाँ ये रनवे टाइप का रोड लगता है, देखने में ही लगता है। आज ये कौन सी पक्षी यार उड़ गई यार, देखने के बावजूद उड़ गया पेड़ से ये। सो गाइज अपन नालंदा की तरफ जा रहे थे, बट बीच में पुलिस की चेकिंग चल रही है गाइज, और फिर अपने पास हेलमेट नहीं है, सो गाइज ये तो हम लोगों ने गलत किया, हेलमेट लेके नहीं आए, सबसे पहली बड़ी बहुत ही बड़ी वाली गलती है गाइज हमारी, कि हेलमेट अपन लोग लेके नहीं आए। और मैं दूसरी बात बता दूँ गाइज कि अपने को याद नहीं रहा था कि हेलमेट भी लेनी है, और फिर मैंने सोचा था यार आज संडे चेकिंग नहीं होगा, बट चेकिंग रहे या ना रहे गाइज हेलमेट तो पहनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, बट फिर भी गलती हुई है गाइज, तो गलती के लिए क्या ही बोल सकते हैं, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा गलती नहीं होगा गाइज कि हेलमेट ना लाएँ, अपन लोग हमेशा हेलमेट ले के ही चलते हैं, बट कहीं लॉन्ग टूर पर निकलते हैं ना तो हेलमेट ले के चलते हैं, बट 3-4 किलोमीटर की बात होती है ना तो हेलमेट नहीं लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस थी गाइस, तो इसी कारण से अपने को हेलमेट लेके आना चाहिए था, बट नहीं लेके आ पाए, और फिर पीछे की साइड चेकिंग है तो उधर जा भी नहीं सकते गाइस। तो आज का लॉन्ग राइड तो गाइस क्या बोले यार, मतलब गया गाइस, अब लोग सोचे थे यार लॉन्ग राइड मस्त वाला करेंगे, राजगीर तक जाएंगे, उससे भी आगे जाएंगे, लेकिन चेकिंग के कारण आगे नहीं जा पा रहे गाइस, तो अपन लोग सोच रहे हैं यहाँ से रिटर्न जाएँ, और फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट संडे आएगी ना गाइज, उसमें अपन लोग काफी लॉन्ग टूर करेंगे विथ हेलमेट गाइज। अपन लोग हेलमेट लेके आएंगे और फिर लॉन्ग टूर काफी मस्त वाला करेंगे। तो अभी अपन लोग यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं गाइज, जल्दी से घर की ओर चलते हैं क्योंकि अगर चेकिंग वेकिंग हुई तो फंस जाएंगे काफी ज्यादा। तो गाइज यहाँ से अपन लोग घर की ओर चलते हैं। तो वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। और गाइज एक चीज़ और, जब भी बाइक चलाना ना हेलमेट जरूर पहनना गाइज, मेरा ये प्लीज पर्सनली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गाइज, हेलमेट जरूर पहनना। अपन लोग से मिस्टेक हो गई इसी कारण से नहीं पहन पाए, बट अपन लोग गाइज हमेशा हेलमेट पहन के चलाएंगे, ये आपको गाइज गारंटी देते हैं। जब भी कभी भी लॉन्ग टूर पे निकलेंगे ना, हेलमेट हमेशा गाइज, क्योंकि हेलमेट बहुत चीज से प्रोटेक्ट करती है हम लोग को, तो हेलमेट बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बाय बाय गाइज। बाय मतलब ये भौकाल लुक दे रहा है R15, देख रहे हो, मतलब रोड का ना ये किंग लग रहा है, देख लो। और अभी इसमें जो आई वाला लगाएंगे ना, जो आई का ये जो दिख रहा है ना नीचे, यहाँ इसका आई लगवाएंगे ना तो और भी भौकाल ला देगा गाइज इसका लुक, ये वाली। तो ये वाली भी लगाएंगे अपन लोग बहुत जल्द लगाने वाले। फिलहाल तो ये बाइक काफी ज्यादा मस्त वाला लुक दे रहा है अभी के टाइम में।